बाद आपको रूम टूम दे देता हूँ। एक बारी रूम में अंदर घुसते पहले लेफ्ट साइड भी वॉशरूम है, राइट साइड भी मिरर है। अंदर आओगे इस तरह कुछ रूम दिखता है। क्या बात है, वाह जी वाह, यहाँ आसमान बड़ा है, यहाँ ऐसा कुछ है। ये हमारे आशीष भाई, इनका कपड़े सुखाने का तरीका अभी भी कैजुअल ही है। और सबसे सही चीज़ दिखाता हूँ मैं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। रात पहुँचे थे, इतने थक गए थे, फौजी साहब अपने सैर पे निकले हुए हैं। अरे वेंटिलेशन के लिए खिड़की तोड़ रखी इन्होंने। क्या बात है यार, देखो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है पूरी बढ़िया तरीके से। श्रीनगर पहुँच चुके हैं गाइस हम, अब श्रीनगर पहुँच चुके हैं तो थोड़ा नज़ारा दिखाना बनता है बाहर का। तो एक बार रेडी हो जाऊँ उसके बाद बिनते बाइक पे जाके नीचे, मतलब मोटो लॉक पे नहीं ऑब्वियसली, बाइक पे सामान भी बांधना है, तब मैं दिखा दूँ तुम्हें बाहर का व्यू। क्या नहीं बात है, आज है सैंडविच एंड उपमा विद चाय। ओके पीपल, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके, वेलकम टू मै अनदर व्लॉग। भाई कैसे हो सब? तो गाइस बात कुछ ऐसी है, हम पहुंच गए थे रात को श्रीनगर, श्रीनगर से अब जाएंगे हम कारगिल। ऑलरेडी भाई टाइम हो चुका है 8:52, ऑलमोस्ट 9। तो बाइक से अपनी सामान बन चुका है, अब रेडी हैं सब लोग निकलने के लिए। जैकेट पहनने, राइडिंग गियर्स पहनने और फरार, यहाँ से निकल लेंगे और बस 5-7 मिनट में। तो आगे का आज श्रीनगर का व्यू जो देखने को मिलेगा ना तुम्हें, वो बहुत ही ज़बरदस्त। तो गाइस एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लेते अपनी बाइक का। चलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता आगे पहुँच के चल जाए, अभी तो चल जाएगा। अभी 921 किलोमीटर चली थी। टाइम हो चुके हैं 9:20 और हम लेट हैं, हमें निकलना है आज कारगिल। और क्या बताऊं भाई, क्या क्या दिखने वाला है आज। सामने मेरे को दिख रही है डल लेक, क्या बात है भाई, फाइनली गाइस। पिछले व्लॉग में तुमने रात को देखी होगी डल लेक, अब मैं दिन में दिखा रहा हूं तुम्हें। क्या बात है, सपना पूरा हो गया डल लेक देखने का भी। ये भी एक ड्रीम होती है भाई, इतनी दूर आना यार कश्मीर फ्रॉम दिल्ली सो फार। लेकिन हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बढ़िया लगी वो बाइक पे आया यार। थैंक्स फॉर वेटिंग मैन। काम यहाँ पे अभी चल रहा है कुछ साइड में, और भाई डल लेक चल रही है अपने लेफ्ट पे, राइट में चल रही है स्कूल की बसें, और आगे चल रहा है अपना काफिला और कुछ पीछे। क्या बात है यार गाइस, कश्मीर में टूरिस्ट के चलते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है अभी तो फ़िलहाल, जाम में फंसे हैं हमें, हो गए 7-10 मिनट तो हो गए, 7-8 मिनट हाँ, तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गाइस। कश्मीर में ना पेट्रोल डलवाने के बाद हवा भी खुद ही भरनी पड़ती है, देखो भाई खुद भर रहे, दीपक भाई हमारे खुद ही हवा भर रहे हैं कश्मीर में आके। नहीं चला, चला नहीं अभी। सामने दिख रहे हैं हमें पहाड़ियाँ और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है इसके ऊपर। क्या यार नज़ारे शुरू होने वाले हैं गाइस। वीडियो में अगर अभी आप देख रहे हो ना तो थोड़ा वेट होल्ड कर लो बस, आपको बहुत बढ़िया सीनरीज व्यूज सब नज़र आने वाला है। और उसके बाद अगर आप अभी मेरे चैनल पर आए हैं, नए आए हैं नई नई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा प्यार दिखाओ। गाइस राइट साइड में देखो कितना जाम है, और लेफ्ट साइड में देखो कितनी ग्रीनरी है यार। यहाँ पे प्लांटेशन हो रखी किसी चीज़ की, गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन सही, यहाँ से देखो इधर से क्या बात है, नीचे घोड़े भी खड़े हैं यार। और ये देखो गाइस बच्चे कैसे हेलो कर रहे हैं, फिर से करो बाय, हाय करो। बच्चे बाय कर रहे हैं, बाय गाइस। सामने एक बार नज़ारा देखो, नज़ारा कितना प्यारा, हम भी कश्मीरियों वाली भाषा बोलेंगे, कश्मीरियों वाली टोन में बोलेंगे, गाइस नज़ारा देखो सामने कितना प्यारा ला। क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं गाइस, क्या नज़ारे हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये
ओए होए 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 सामने देखो यार, सीरियसली मैन दिस इज अमेजिंग गाइस, कश्मीर की ब्यूटी देख लो, ये है ग्रीनरी वैलीज है भाई, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़। फिलहाल अभी हम सोनमर्ग के रास्ते पे हैं, हमें जाना है कारगिल, तो एक टाइम लिमिट है कि इतने टाइम तक हमें निकलना है वहाँ से। बट बात अभी ऐसी है कि हमारा काफिला इधर उधर हो चुका है, सारी बाइक्स इधर उधर हो चुकी हैं, मेरे साथ जो राइडर्स हैं वो 4-5 हैं, वो भी आगे जा रहे हैं, तो हम जितनी बाइक खींच सकते हैं वहाँ तक खींचते हैं और उसके बाद देखते हैं, अपडेट देता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है वहाँ पे जाके। देखो गाइस क्या बढ़िया लग रही है यार, वो तो संगम हो रहा है किसी रिवर का, देखो बालटाल 65 सोनमर्ग 50 गुंड 27 कारगिल नहीं देख पाया कितना रह गया, फिलहाल ठीक है इट्स ओके। ये देखो गाइस ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना यहाँ के, वो कुछ ऐसे हैं वाइट ड्रेस में, ये है वाइट ड्रेस में कुछ ट्रैफिक वाले यहाँ के। देखो गाइस ये टेम्पो वाला कितनी गंदी चला रहे हैं, देखो सी कितनी गंदी चला रहे भाई ये, डांटो इसको गाइस। एक बार नज़ारा देख लो साइड में, वो देखो ऊपर, क्या बात। यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट जा रहा है। छुट्टियाँ का टाइम है ना यार, बच्चों को छुट्टियाँ होती है मई जून में, तो इस वजह से। राइट वे का नज़ारा है, क्या वैली है यार, ज़बरदस्त। गाड़ी आ गई सामने से, ध्यान से हो रहा है यहाँ पे, कितनी प्यारी जगह है, क्या लोकेशन है, क्या व्यू है यार, सीरियसली। बालटाल 24 किलोमीटर ले 364 कारगिल पहुंचने वाले बस। और गाइस आगे आने वाला है सोनमर्ग, जो रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। राइट में चल रही है अपने रिवर, लेफ्ट में पहाड़, ऊपर बर्फ, और अभी आगे जाके ना मैंने दूर से एक व्यू देखा है, क्या व्यू आने वाले यार, आपको मज़ा आ जाएगा गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ। बकरियाँ ही बकरियाँ, वो नंबर लिखे हुए हैं इन पे, क्या जीरो काटा खेला हुआ इन पे देख रहे, जरा जीरो काटा खेल रखा है इन पे। और इधर पानी का फ्लो देखो गाइस, क्या बात, कितना तेज फ्लो है यार, और पानी का कलर भी यहाँ पे मिट्टी वाला हो गया क्योंकि बर्फ मेल्ट हो रही होगी। और ये देखो गाइस वो नीचे यार, वो देखो राइट में बर्फ ही बर्फ हो रही है रे यहाँ, तो थोड़ी रोड खराब है, बाकी सब ठीक है, चल रहा है, रोड थोड़ी बन जाए ना यहाँ मजा आ जाएगा। ये ट्रक धुआं कितना मार रहा है, ये मेल्ट कर रहा है पूरी बर्फ यार, कोई बात नहीं खैर। तो गाइस हम आ चुके हैं सोनमर्ग में, सोनमर्ग का देखो गाइस, वेलकम टू सोनमर्ग। ध्यान से भाई अमन भाई, पीछे रहना इससे, कहीं ऐसे चपेड़ा मारे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर सकता ये, खैर हमें तो अभी सीधा जाना है। और भाई सामने क्या व्यू है, मजेदार, चलो अमन भाई चलो। गाइस मेरे माइंड में ना अभी दो बातें आ रही है, दो आपसे ही पूछना चाहता हूँ मैं, वो अगर क्या है वो क्या नहीं। पहली बात, अगर मैं रास्ते की परवाह करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, है ना। दूसरी बात, अगर मैं रास्ता एंजॉय नहीं करूँगा तो मंजिलें पहुँच के करूँगा, बताओ यार क्या किया जाए। मेरा तो यही बोलता हूँ, रास्ता भी एंजॉय करो और मंजिल पे तो पहुँच ही जाएंगे। खैर बहुत सही, यहाँ से हम किधर जाना है ये नहीं मुझे अभी पता, इधर जाना है। ये खड़े अपना काफिला मिल चुका है हमको अपना, ये रहा काफिला। ये देखो गाइस ट्रकों का जाम, ट्रक हो रखे हैं भाई यहाँ तो, क्या बात है, ट्रक ही ट्रक भाई, ऑयल टैंकर है सारे, ये हमारे लिए तेल लेके जाते हैं ऊपर लद्दाख, ले लद्दाख जो भी है जहाँ पे भी जाते हैं, क्या बात है। और भाई बारिश वाला मौसम हो रहा है। लो जी लो गाइस, फाइनली अपनी बाइक चल चुकी है इस ट्रिप पे, टोटल 1000 किलोमीटर। देखो गाइस देखो 1001 होने में सिर्फ कुछ मीटर्स बाकी हैं और चल चुकी है यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्या बात, बहुत मुबारक हो, और थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग गाइस। हमेशा भगवान का शुक्र करते रहा करो हमेशा। इंडियन एयरफोर्स जा रही है यार ऊपर से, यार क्या बात है, सैल्यूट किया मैंने उनको भी, उन्होंने भी मुझे किया
कैसा लगा मेरा भैया? गाइस हमने सोनमर्ग वाला टोल पार कर लिया है और हमें आ गया है मजा। ये पार करना बहुत जरूरी था, वहां पे ट्रक वाले खड़ा, उसने मुझे हाथ दिया ऐसे, लेकिन कहा नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ। अरे बहुत बढ़िया, मजे आ रहे। फाइनली गाइस सोनमर्ग हम पहुंच चुके हैं और सोनमर्ग में आके जो ब्यूटी मिली है ना हमें, वो कुछ ऐसी है, देख सकते हो यार तुम, बहुत ही बढ़िया शानदार है। हमारे श्यामा भाई, ये हमारे भाई आगे आगे पहुंच गए थे बहुत जल्दी, हमारा वेट कर रहे थे। ये खड़ी अपनी बम्बल बी जो कि पहली बार आई है लद्दाख। क्या ये ऑटो पोस्ट कैसे हो गया था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो खड़ा है अपना काफिला पूरा, पीछे व्यू देखो गाइस कितना जबरदस्त है यार, अमेजिंग। गाइस रील्स फोटोज के लिए रुके थे पीछे सोनमर्ग का गेट क्रॉस करते ही, अब निकल चुके आगे और नजारा है कुछ ऐसा। क्या बात है, क्या बात है गाइस। अब हम रुकेंगे सीधा जोजिला पास, जोजिला पास जाके ब्रेक मारते हैं और उसके बाद वहाँ के नज़ारे कुछ अलग हैं, वहाँ जाके ब्यूटी थोड़ी और बढ़ने वाली है। तो जस्ट वेट अ मिनट गाइस, गानों के साथ बाइक पे और इस रास्ते का मजा लेते चल रहे हैं। वो चल रहा अपना पूरा का पूरा काफिला, वो देखो गाइस आगे इतनी सारी बाइक से तो अलग ही मजा आता है, अलग ही मजा। गाइस घुमरी यहाँ से 13 किलोमीटर है और बालटाल है 5 किलोमीटर। बालटाल वो है जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। क्या बात है, हर हर महादेव, महादेव की यात्रा, महादेव की दर्शन करने के लिए यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होती है बालटाल से। और ये देखने के लिए यार मेरे को इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। खैर मैं तो अभी भी यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे लेह लद्दाख, बट यहाँ से यात्रा शुरू होती है अमरनाथ जी की। और यात्रा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुश्किल है जो मैंने सुना है, बाकी जो लोग बताते हैं। क्या व्यू आ रहा है आगे का गाइस, ये है शायद रास्ता जहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा, क्योंकि यहीं पे थोड़ी ख़राबी लग रही है मुझे। ये देखो यहाँ पे हुआ लैंडस्लाइड और इसमें बर्फ़ प्लस मिट्टी प्लस पेड़ पूड़ जो भी होंगे पहाड़ के वो सब मिक्स हैं। ज़रूरी है कंटेंट देना भी बहुत ज़रूरी है और नज़ारे लेने भी बहुत ज़रूरी है। ये सारा कच्चा रोड चल रहा है एक्चुअली, मुझे मेरे हिसाब से ना यहाँ पे रोड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी स्नो पड़ जाती है ना यहाँ पे तो रोड फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। तो ये रोड सिर्फ थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं कि हाँ आने जाने लायक हो जाए, बट इतना नहीं करते कि परमानेंट बना रहे, क्योंकि बन नहीं सकता एज आई टोल्ड यू। और ये जो खड्डे खड्डे हैं हमारा जान लेके जमानेंगे, ये खड्डे नहीं ये दर्द है, ये पीड़ा है। गाइस ये एक पास है जहाँ से जो निकल रही है बाइक्स और वन एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होगा और ये बन भी रहा रास्ता। और यहाँ पे भाई बाइक तो दम तोड़ रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सामान ज़्यादा लग रहा है यार, सामान ज़्यादा है ना अपने पे, तो थोड़ा थोड़ा दम तोड़ना बनता भी इसका और पावर थोड़ी कम है। चल 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 गाइस इसी के साथ चलते, मौसम में आया बदलाव और बारिश शुरू हो चुकी है। अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा हुआ है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं है कि खैर ठीक है, इट्स ओके। और ठंड भी बढ़ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि हमें और थोड़ा सा आगे जाके कुछ रेन लाइनर या कुछ गर्म चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई गाइस, देख रहे हो कमाल, बर्फ मेल्ट हो रही है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। ये भाई मेरे ऊपर पानी उड़ाएंगे क्या? तो गाइस अभी का अपडेट कुछ ऐसा है, आगे कुछ लैंडस्लाइड हुआ पड़ा और गड्ढा गड्ढा हुआ पड़ा, तो उन्होंने रोक दिया ट्रैफिक, वहाँ भी ट्रैफिक खड़ा है और इधर भी देखो सारा ट्रैफिक खड़ा हुआ है। तो अभी आगे जाने देखो अभी तक लाइन लग चुकी है सारी, अपनी बाइक्स भी यहाँ खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है तो रेन लाइनर निकाल लेना चाहिए। भाई ने तो पहन भी लिया, बाकी देखते हैं अगर ऐसा लगा कुछ फील हुआ तो पहन लेंगे, बाकी नहीं पहनेंगे। यही अपडेट है अभी का। तो गाइस देखते ही देखते बारिश के बाद ओले पड़ने शुरू हो गए हैं और रास्ता भी खुल गया है और अब निकलने की बारी आ चुकी है। अभी वन वे चला रखा है इन्होंने, उसके बाद अपनी बारी आएगी। ओ भाई ये क्या हुआ? देखो अरे वाह, ओए होए भगवान ने ये भी दिखाना था दिखा दिया यार, क्या बात क्या बात, मज़ा आ गया। अरे आ गया।
ये था भाई, ये है वो रखा यहाँ पे कांड। सही सही एकदम सही। ओहो भाई ये हिम्मत है यार जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये ना हो तो भाई हम ना निकल पाए यहाँ से, मजाक सेट के। इधर के नजारे देख लो एक बार, क्या ने बता। ओए होए होए होए, ओ पानी पानी होगी मित्रा, पानी पानी, क्या बात क्या बात। ओए होए यार ग्लेशियर है भाई ये, ग्लेशियर है देखो, लेफ्ट पे बर्फ ही बर्फ है अपने। मुझे ये डर है कि गोबर तो ना खराब होएगा, वैसे तो नहीं होता इतने में ठीक है, लेकिन ना गाइस टूरिस्ट आया हुआ है बहुत सारा, यहाँ तो स्नो एक्टिविटी चल रही है। रे क्या बात है यार, ये तो रोहतांग वाला सीन बन रखा है, लेकिन रोहतांग से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फिलहाल तो ये। वो देखो वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी चल रही है, कुछ ना कुछ स्कीइंग है आई थिंक सो ये, और वो स्कूटर है बर्फ़ वाला जो है ना वो चल रहा है इसमें। बहुत ही बढ़िया, कितने लोग हैं यहाँ पे। ओ पाला कोई ठंड लग जानी तेनू। ओ माय गॉड ऊपर का व्यू देखो गाइस एक बारी, क्या बात है यार, अमेजिंग मैन। बाइक्स अपनी ये खड़ी, सारे बाइक्स सारे के सारे मेंबर्स अपने सेफली पहुंच चुके हैं जोजिला पास। अब जोजिला पास का जो बैरियर है वो मुझे पता नहीं कहाँ है, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि कुछ मिल भी नहीं रहा। तो अभी फ़िलहाल हम मैगी और चाय वगैरह लेंगे, सब काफ़िला अपना अंदर बैठे राइडर्स। ये रहे ये देखो अपने शिवम भाई, ये राहुल भाई, रावत भाई, ये रहे अपने दोस्त। गाड़ी निकालनी है अभी इतनी जल्दी, अभी तो लगाई थी इतनी मुश्किल से। भैया पहले बता देते, अब सारी बाइक निकालनी पड़ेगी, सारे आराम से बैठे थे। चाय चाय भी आ गई है, अब तो चाय भी आ गई। रुक जाए, रुकने को बोल दिया मैंने, चाय पियेंगे पहले, दो मिनट रुक जाइए। सुनो सुनो एक पॉइंट, वेलकम टू जोजिला, वेलकम टू जोजिला। यस काफिला वेलकम टू जोजिला। गाइस मैगी अपनी हो चुकी है रेडी एकदम गर्मा गर्म, क्या नजारे लगे मैगी, बहुत सही लग रही है एकदम बढ़िया। सब अपने भाई लोग मैगी में अभी ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद चलेगा मेरे घर से फोटो सेशन जो होगा बाहर। यार कितना बढ़िया है, पीछे जोजिला का गेट निकला था लेकिन मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाया, मैंने एक्चुअली ना गोप्रो यहाँ लगा लिया था, तो यहाँ लगाने के चक्कर में वो वीडियो आई नहीं। अरे नेटवर्क आ गए यहाँ तो, क्या बात है, नाइस 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 जोजिला टनल। तो गाइस अपना काफिला जा चुका है आगे और हम भी जा रहे हैं आगे। गाइस इन लोगों की हिम्मत है जो इतनी ठंड में काम करते हैं, असली मेहनती तो भाई ये हैं। इतनी ठंड में देखो हम लोगों के लिए, हम लोगों को ताकि अच्छा आराम आ जाए इस ऑफ रोड से, तो ये अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, क्या बात है, बहुत सही मज़ेदार। गाइस एक छोटा सा अपडेट है तुम्हारे लिए, जब तुम सोनमर्ग से निकलोगे ना अपना एंजॉय करके मैगी मुगी खा के एकदम बढ़िया तरीके से, जोजिला पास जब आएगा, जो मतलब सोनमर्ग के बाद भी ऑफ रोड आया था, जोजिला पास भी रुक के तुम मैगी मुगी खा लोगे, उसके बाद ही सारा ऑफ रोड है भाई, पूरा का पूरा ऑफ रोड। और यहाँ पे हार्डली आपकी बाइक की स्पीड 20 और 30 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑफ रोड पैच है और यहाँ पे धीरे ही चलना चाहिए। वेलकम टूरिज्म अथॉरिटी कारगिल, क्या बात है, साथ ही ओके पीपल, अभी का अपडेट पता है क्या है कि हम लोग एंटर कर चुके हैं लद्दाख में। ये देखो लद्दाख पुलिस का ट्रक खड़ा है और पीछे लद्दाख पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पे लद्दाख का गेट भी। ये बता दो कौन से दूध की चाहिए, कौन से दूध की चाहिए, ये बकरी के दूध की चाहिए भाई, स्पेशल चाय, कौन से रीजन पे खड़े हो आप ये चाय देने के लिए,
रेड बकरी की दूध की चाय। रेड बकरी के दूध की चाय पीनी हो तो भैया से मिलो। जैसे आप लद्दाख रीजन के अंदर घुसोगे, यहाँ पे आपको एक पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट स्टेशन मिलेगा पुलिस का, उसके बाद भैया की दुकान यहाँ पे है। और ये क्या है, दाल चावल मिक्स करके दाल चावल बन रहे हैं, और ये बकरी के दूध की चाय जो कि मेरे लिए भी दी इन्होंने अभी। बहुत बढ़िया अंकल, थैंक यू। मटियान रह गया 1 किलोमीटर, कारगिल वॉर मेमोरियल है यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर, तो बस और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम कारगिल वॉर मेमोरियल, और वहां का तुम्हें दिखाऊंगा मैं नज़ारा। एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर कोज्ड। करेक्ट यार, करेक्ट। बीआरओज की जो ये लाइनें हैं ना, बहुत तगड़ी हैं, बहुत तगड़ी मज़ेदार हैं। कारगिल जिमनी में अपने साथ भाई लोग जा रहे हैं ना, ये यार बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, सबकी क्लिपेज क्लिप निकाल रहे हैं, सबकी फोटेज वगैरह, सब फोटो लो वीडियो लो सब निकाल रहे हैं भाई। इन भाई को मैं ज़रूर मैंशन करूँगा भाई अपनी रील्स में यार। एक भाई पुणे से हमारे, और दूसरे वाले भाई दिल्ली से हैं, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। जो गाड़ी चला रहे हैं, जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वो है पुणे से, उनका तो पक्का है। तो भाई हैट्स ऑफ एंड थैंक यू सो मच दोनों भाइयों को। अगर मेरी वीडियो देखोगे तो यार आपको मैंने क्रेडिट यहाँ पे भी दिया है, और मैं रील स्टोरी पे भी दूंगा। ये देखो भाई, भाई वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मज़ेदार भाई। यही शॉर्ट्स हमारे, हम शॉर्ट्स वीडियोस में डालेंगे, अपनी रील्स में डालेंगे, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह अपलोड करेंगे। और मेहनत भी देखो इनकी है, हम तो देखो बाइक चला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। देखो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, और बदले में क्या, कुछ भी नहीं भाई, प्यार की बात है कि ये साथ आए हैं, अच्छी बात है यार, ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को। ऐसी भाई सबका बॉन्ड बना रहे आपस में, आगे भी अच्छी अच्छी ट्रिप्स मारे सारे भाई मिलके, और नज़ारे ले पूरे फुल अपनी लाइफ के। और भाई जो अगर मेरी वीडियोस देख रहा है, अगर वो भी लेना चाहता है, तो भाई वो भी लो, बिल्कुल लो, बिना रुके लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस हम आ चुके हैं द्रास टाउन में, पुलिस स्टेशन द्रास। तो लद्दाख रीजन में द्रास पड़ता है कुछ, तो हम वहाँ आ चुके हैं अभी। यहाँ से कारगिल होगा, थोड़ा बहुत ही रह गया होगा बस, बाकी द्रास कुछ ऐसा दिखता है गाइस, जब यहाँ विंटर्स में स्नो पड़ती होगी तो कितना ब्यूटीफुल दिखता होगा। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कारगिल, और कारगिल में हैं हम अभी इस वक्त वॉर मेमोरियल, जहाँ पे हमारे कई देश के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। और यहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है जहाँ पे कैसे कैसे कैप्चर किया गया था, सब कुछ बताया गया है। अब वो उस मूवी में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने वो नहीं बनाई। तो बस यही अभी का अपडेट है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर वॉर मेमोरियल देखने। तो जो जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों तक भी शेयर करूँगा, ठीक है। जो वो वाले पहाड़ है ना, वो है एक है टाइगर और एक है राइनो, और जो इस पहाड़ के पीछे है वो है बत्रा कुछ करके बता रहे थे वो है। बहुत ही बड़ा है, और इस साइड जो है, इस साइड सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ एक बार। गाइस ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो बना रखी है, ये बना रखी है उन शहीदों की याद में, एक जैसा कर्टेसी एंड रिस्पेक्ट जो उस वॉर के टाइम पे शहीद हुए थे। कितने सारे जवान हैं देखो यार, कितने सारे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ लिखी है, लेकिन बहुत ही है, एन नंबर्स ऑफ पीपल यार, और अगर हम इधर देखें तो ऐसा कुछ व्यू आता है यहाँ पे जो कि ज़बरदस्त लगता है, ज़बरदस्त। ये कुछ चीज़ें यूज़ हो रखी हैं उस बोर्ड के टाइम पे, तो यहाँ पे इन्होंने अब ऐसे डमी यूज़ कर रहे हैं। तो बस अभी का अपडेट यही है, बाकी अगर मुझे कुछ और मिल जाए तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी जगह देखते हैं ना, अपनी कुछ इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हो, बढ़िया लगती है। अभी ये वॉर मेमोरियल है जो याद, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है यार, क्या भाई। और बहुत प्राउड फील भी होता है भाई, पूरे माउंटेन देख रहे हो ना, वहाँ कैप्चर करना भाई नॉट ईजी भाई, सीरियसली मैन, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। ये बनाया हुआ है
कैप्टन विक्रम बत्रा की याद में। क्या बात है, ये पूरी स्टोरी है उनकी। बहुत बढ़िया, नाइस। तो गाइस अभी का अपडेट कुछ ऐसा है, हम लोग पहुंच चुके हैं कारगिल, होटल ले लिया था भाई, इतना थक गए ना घूम घाम के। आज आप शक्ल ही देख रहे हो भाई, कैसी सी हो रही है, आंखें देखो कैसे सूज रही हैं। आज नींद पूरी करने का पूरा पूरा मौका है अपने पास। अभी मेरे हिसाब से 9 बज रहे होंगे, तो अब सोने की तैयारी है, सोऊंगा और सुबह उठ के फिर अपने निकला ले के लिए, वो दिखोगे अपने ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, जाते जाते एक बार थम दिखा देना बढ़िया सा। बाकी मज़ा आ गया होगा आपको, घूम गया ना, मेरी तो आज मेरी आँखें तो कैसी सी हो रही है, डॉल सी पसार नहीं है बेटा बाइक पे आना। लेकिन इट इज़ गुड, एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपको, आप भी आना चाहोगे तो। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब।